सबका प्रणाम। यहाँ हम बात सुनने के लिए आया है, करने के लिए नहीं आया, लेकिन फिर भी एक बात बोलना है। ये पवन कल्याण साहब उतना दूर से यहाँ आया, हम लोग उनको पास गया था, उनको रिक्वेस्ट किया था, उनको दिखाया, किताब दिखाया, इसके बाद वो खुद बोला था आएंगे करके। लेकिन हमको ये इच्छा है, अगर एक साहब आएगा, ये बात एक मुँह से, एक जुबान से एक बात निकलेगा, करोड़ों युवा प्रेरित होगा उसका तरफ देख रहा है, वो भी हमारा राजेंद्र सिंह जी के सारे तरफ, विक्रम सोनी का तरफ देख रहा है, क्योंकि इनका जितना फैन फॉलोइंग है, जितना लोग प्रेरित है, वो सबको थोड़ा सा पानी के ऊपर वाटरमैन का तरफ डाइवर्ट करने से वो सीखेगा कुछ और कुछ बनेगा, कुछ करके डायरेक्शन है। इसलिए साहब ने खुद इनका फॉलोअर बन गया। एक्चुअली इनका 36 लाख फॉलोअर है, साहब का 2000 फॉलोअर है, 2500 फॉलोअर है, फिर भी ये इनको फॉलोअर बन गया, तो सबका इनका फॉलोअर सब इनका पास जाएंगे, थोड़ा देखेंगे क्या कर रहा है करके। फॉर लेटेस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब RMS न्यूज एंटरटेनमेंट एक्सक्लूसिव, ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू। बैठ रहे विदाउट सपोर्ट, लुम्बर सपोर्ट बैठ रहा है, वो डॉक्टर इतना गाली दे रहा है, हमको डर लग रहा है इसको जितना जल्दी यहाँ से उठा के ले जाए हमसे। अगर स्वामी जी अगर उनको पैर दूर करेंगे तो पेन दूर करेंगे तो बात अलग है। ये हमको नेक्स्ट संगठन पानी बोला था, साहब बोला था कल अगर आ गया तो उसका पेन को होता ही नहीं है, लेकिन कल नहीं आया तो जैसे वहाँ से जब आते ही उनका पेन के ऊपर हम सोचेंगे तो पेन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम भी अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ। राइट 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 साहब, एक ही है, एक नौजवान लड़का हम बोलते हैं, यहाँ लोग बोलते हैं स्वामी, ये यंग स्वामी जी 26 ईयर ओल्ड का है, आत्मबोधानंद जी, ये तो 194 डेज वो अनशन किया है, उपवास किया करके, इसका बात बच गया स्वामी जी की वजह से, नहीं तो उनको भी मारने की कुछ कोशिश किया था लेकिन बच गया। और न्यू गर्ल जो तो पद्म ब्रह्मचारिणी पद्मावती जी, आप इधर आइए जरा, हमको साहब को हम दिखाना है, आप बुलाएंगे तो एक बार बुलाइए, तो एक्चुअली आप बुलाने से आएंगे तो ये यंग पीपल आर कमिंग सर, टीचिंग द वर्ल्ड, नो द ग्रेटा, जैसे ग्रेटा है, ग्रेटा तनबर्ग, जैसे ग्रेटा तनबर्ग जैसे 16 साल लड़की पूरा दुनिया को हिला रहे, अभी यहाँ 22 साल लड़की आए थोड़ा तपस्या करने के लिए हमारे साथ, हम कुछ आप कुछ बोलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। हमको क्या अच्छा लग रहा है आज का, आज तक आपका तो बलिदान करने की ज़रूरत नहीं, वो तो अनशन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग है आपको मौका, वो मौका नहीं मिलना चाहिए, अगर मौका मिल अभी अभी 194 डेज अनशन के बाद भी ये आदमी यहाँ आके हमसे इतना सरल से हमको सर्व कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये अभी पद्मावती जी को हमारा तब से बढ़ाइए, सबसे सबका तरफ से बढ़ाइए, हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो सबका तरफ से बढ़ाइए, और आपको ये अनशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वही हम सोच रहे हैं, हमारी इच्छा है इसको अनशन करने, अनशन में बैठना नहीं चाहिए था, अगर सरकार का इच्छा भी यही होगा, बसवराज जी भी सब लोग, हम लोग सब कोशिश करेंगे तो आगे कैसे बढ़ना है, तो हम यहाँ सुनने के लिए आए, नहीं इतने शब्द। और हमारा उज्जैन का हमारा जो आगे मीटिंग है उज्जैन में दिसंबर 16, 17, 18, ये 3 दिन में पूरा देश भर लोग वहाँ आ रहे हैं, वो गंगा का मुद्दा आगे लेके जाने के लिए वहाँ कोशिश करेंगे। जैसे हमारा पवन कल्याण जी कल बोला था, ये जो एक नदी का ये नहीं है, गंगा माँ है, पर देश में सब नदियों का हाल वही है, तो इसलिए हम लोग लड़ाई सब नदियों के लिए करना है, तो ये वो लड़ाई यहीं से शुरू करेंगे करके बोला। इतना है, हम बोलने के ज़्यादा नहीं है, हमको काम करने के लिए स्वामी जी जो बोलेगा और पवन जी जो बोलेगा, राजेंद्र सिंह जी बोलेगा, विक्रम सोनी जी बोलेगा, वही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फॉर लेटेस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब RMS न्यूज एंटरटेनमेंट एक्सक्लूसिव, ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट।